don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com hello everyone namaskar and good afternoon and welcome guys in testbook.com hello everyone swagat hai sabhi ka and very good afternoon sabhi ko tk chale guys मेरा नाम है सेतुवारी और आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे so, चलिए गाइस सब लोग जुड़ जाइए आज के सेशन में ठीक है हम लोग जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक पूरी सीरीज चलाएंगे हम लोग आई बी ए सी आई ओ के लिए ठीक है जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी के दो सेशन कवर किए हुए हैं ठीक है उसके साथ हमने इकोनॉमी के भी दो सेशन कवर किए थे ठीक है ज्योग्राफी के हमने तीन सीरीज यानी कि तीन सेशन कवर किए हैं सभी में थर्टी थर्टी क्वेश्चन कवर किए थे और हिस्ट्री के भी हम लोग तीन सेशन कवर करने जाएंगे तो सबसे पहले एनशियंट फिर मेडिवल और मॉडर्न ठीक है तो आज आज के सेशन में हम लोग एनशियंट हिंड्री पर एनशियंट इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ड ठीक है थर्टी प्लस एमसीक्यू कवर करने जाएंगे सो चलिए सब लोग जुड़ जाइएगा राहुल शिल्पा नमस्कार सभी का स्वागत है गाइज और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं प्लीज गाइज शेयर दिस सेशन ठीक है विद योर फ्रेंड तो अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक है हमसे जुड़ पाए और हम लोग इस सेशन को प्रॉपर डिस्कस कर सकें ठीक है सो गाइज आई बी एस सी आईओ का बैच स्टार्ट होने होने जा रहा है ट्वेल्थ जनवरी से तो जो भी लोग इस बार आई uh, बी का एग्जाम सीरियसली देना चाहते हैं सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहते हैं इस बार इसको ठीक है और तो चाहें तो आप इस बैच में हमसे जुड़ सकते हैं हम लोग अपनी बेहतर टीम के साथ आपके साथ अवेलेबल होंगे जिसमें 200 प्लस लाइव क्लासेस होंगे 50 प्लस टेस्ट हैं 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं और 100 प्लस पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको इसमें डिस्काउंट भी है ठीक है एक हाई डिस्काउंट मिल रहा है जिसमें फोर ट्रिपल नाइन का बैच आपको पड़ेगा वन थाउजेंड फोर हंड्रेड डबल नाइन रुपये में ठीक है गाइस सो so, आप इसके लिए इनरॉल कर सकते हैं और दूसरा अगर आप टेस्ट बुक पास को लेना चाहते हैं तो वो इस समय टू नाइन्टी नाइन रुपए में अवेलेबल है ठीक है तो आप एक पास की मदद से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है so, सो अगर आप इस पास को लेना चाहें अवेल करना चाहें तो ये याद रखिएगा इसमें हंड्रेड प्लस कोर्स है दैट मीन्स एक पास की मदद से आप किसी भी एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर कर सकते हैं ठीक है so, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन ठीक है टोटल थर्टी क्वेश्चन रहेंगे ठीक है जिसमें मैंने लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन पिक किए हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पर भी क्वेश्चन हैिग वे, वैदिक वेज आ, एज पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्री मौरियन मौरियन टाइम पीरियड मिलेगा इसमें आपको आ, पोस्ट मॉरियन के भी क्वेश्चन दिखेंगे ठीक है साथ में गुप्ताज पर भी क्वेश्चंस कवर करने का प्रयास किया है और पोस्ट गुप्ताज पर ठीक है और उसके बाद जो आपका सेकेंड सेशन होगा वो मेडिवेल का रहेगा तो उसमें दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर और अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और साथ में सिखिजम और मैसूर सल्तनत ठीक है और मराठा और पेशवा इन सभी टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा गाइज चलिए गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून जितने भी लोग जुड़ चुके हैं चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा इन विच डिस्ट्रिक्ट ठीक है इन आदिन हैड बीन द हैबिटेट ऑफ ह्यूमन रेस ड्यूरिंग 1000 थाउजेंड टू टू थाउजेंड बी सी लोकेटेड तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है आदि चनलूर की ये पूछा गया है कि इसमें जो 1000 से 2000 हजार पूर्व के दौरान मानव जाति ठीक है कि जो एविडेंस आए थे वो कहाँ पर लोकेटेड थे तो जरा बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन वन तुतिकुड़ी ठीक है ऑप्शन सेकेंड रामनाथापुरम ऑप्शन थर्ड ल वैली और ऑप्शन फोर है विरुद्ध नगर ठीक है तो बताइएगा जरा इसका राइट आंसर क्या होगा वन टू थ्री चलिए ओके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा जाएगा पैलोलिथिकरा से पढ़ना शुरू कीजिएगा पैलोलिथेकिरा मैसोलिथिकरा और नियोलिथिक नियोलिथेरा जो है कालकोलिथिक केरा आता है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो सब आपसे पूछे जाते हैं ठीक है ठीके? चले, इसका जो राइट right आंसर याद रखेगा ऑप्शन स्टिल यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसमें यह पूछा गया है कि सक संवत की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की जाती है ठीक है तो दो संवत आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है एक सक संवत आपसे पूछता है और दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है किस पर बेस्ट जिसमें विक्रम संवत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत आता है आपको तो शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है ठीक है वो कौन से राजा थे जिनके द्वारा शक संवत की शुरुआत की जाती है बताइएगा जरा कनिष्का कुल कटफिशस ठीक है विमा कटफिश या फिर वासुदेवा वन स्वायु की सिंपल क्वेश्चन है Easily इसमें सभी लोग आंसर टिक कर सकते हैं ठीक है चले गए जो लोग अभी जुड़ रहे हैं ठीक है और जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है सो प्लीज गाइज ठीक है लाइक दिस सेशन ठीक है विद योर फ्रेंड सो दैट मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट ज्वाइनस तो देखिए जब भी आप इसकी बात करते हैं ठीक है सख संव की जब लोग हम बात करने जाते हैं तो यहां पर जो राइट आंसर आप टिक करने जाएंगे तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा वहां पर याद रखिएगा ठीक है जब सका इरा की बात करने जाएगा तो आप टिक करने जाते हैं 78 एट ए डी ठीक है और इसको किसने स्टार्ट किया था कनिस्का ने ठीक है तो कनिस्का से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं जिसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की थी ठीक है सिल्क रोड का भी निर्माण कराया था गोल्ड क्वाइन भी इशू किए थे शुद्ध गोल्ड क्वाइन यानी शुद्ध सोने के सिक्के भी इसने इशू किए थे ठीक है और इसमें कभी भी अगर आपसे पूछता है कि ये जो विक्रम संवत है ये कब शुरू की गई थी तो ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू सु, की गई थी जो उज्जैन के राजा थे और वो टाइम पीरियड है फिफ्टी सेवन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बिल्कुल सभी का यहाँ पर राइट आंसर है जितने भी लोग हैं ठीक है राहुल भानु शिल्पा ठीक है तुषार मिनी ठीक है चलिए स्वाति ठीक है मितालीवालिका तो जो राइट आंसर था ऑप्शन वन था कनिष्क कनिस्क, कनिष्क कनिष्क से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं तो पहला तो पॉइंट ये पढ़ के जाना है कि कनिष्क ने एक तो आपकी चौथी बुद्ध सभा को ऑर्गेनाइज किया था जहां से आपका बुद्धिज्म दो भाग में डिवाइड हो जाता है दो संप्रदाय में हीनयान और महायान फिर सिल्क रोड का निर्माण भी उसके द्वारा कराया जाता है शुद्ध सोने के सिक्के इशू किए जाते हैं ठीक है ठीके? और वो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था चलिए अब इसमें पूछा गया है कि नेम किंग्स अशोकन सन हुम हुम किंग टू टू अदर प्लेस कैरी आउट द ड्यूटीज ऑफ बुद्धिस्ट मिशनरीज तो बताइए जरा अशोक के उस बेटे का नाम पूछा गया है जो जाकर के दूसरे देशों में दूसरे स्थानों में जाकर के बुद्धिज्म को प्रमोट करता है तो अगर आपको याद हो ठीक है तो अगर आपको याद हो कि यहां पर ठीक है अगर यहां पर हम लोग बात करने जाए तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि आपने दो पर्सन के नाम याद रखने हैं ठीक है थीके? दो पर्सन के नाम याद रखने हैं एक महेंद्र का नाम याद रखिएगा और यहां पर अगर पूछ सकता है तो कभी इसकी डॉटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है डॉटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है डॉटर का नाम क्या था संघमित्रा ठीक है ये याद रखिएगा दोनों का नाम पढ़ के जाइएगा कि संघमित्रा को और महेंद्र को जो ये अशोका है ये बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए कंट्री से आउटसाइड यानी कि दूसरे देशों में भेजता है और सबसे पहले कहां पर भेजा जाता है तो ये याद रखिएगा श्रीलंका में या फिर इसको आप एक और नेम दे सकते हैं सिलोन या फिर उस समय एक और नाम से जाना जाता था जो नाम था ताम्रपानी ठीक है ये भी उसका नाम याद रखेगा ताम्रपानी सो so, अशोका सेंट हिस्सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा ठीक है आउट बीसी में लोकेशन पर ठीक है और इसका जो बैटल होता है कलिंगा वाला टू सिक्सटी बीसी में वो भी याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके दो कभी कभी आपको टाइटल नेम भी पूछता है तो देवनाम प्रिया और प्रियदर्शी वो भी पढ़ के जाना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> विश्वजीत डेफिनेटली कभी भी मिलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गंधारा ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड तो गंधार की कैपिटल क्या थी बताइएगा जरा इसका राइट right आंसर क्या होगा ठीक है चलिए चलिए विश्वजीत डेफिनेटली अभी आप सेशन पे फोकस कीजिए बताइएगा जरा इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे वन टू थ्री या फोर तो कंधार की बात कर रहा है याद है अगर आपको कि सबसे पहले जब अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर करता है तो वो कंधार और तक्षशिला से ही एंटर करता है ना जब भी इंडिया में अलेक्जेंडर एंटर करेगा तो किस लोकेशन से एंटर करेगा वही आपने बताना है ठीक है तो इस तरीके से ये वाला यहां पर पड़ेगा आपका ठीक है गंधार और तक्षशिला की बात चल रही तो बताएगा जरा कि यहां पर जो राजा था वो कौन सा था अम्बी ठीक है और उसकी कैपिटल क्या थी सभी को आई होप कि क्लियर होगा कि इसकी जो कैपिटल थी उसका नाम था तक्षशिला ठीक है चलिए तक्षशिला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग उज्जैन तो क्लियर है ना महेशमती वाला किंगडम आपने पढ़ा था उज्जैन उसकी कैपिटल अवंती हुआ करती थी ठीक है वाराणसी तो ये एक समय यहां पर सूर्यसेन राजा का किंगडम हुआ करता था काशी ठीक है जिसको आप वाराणसी के नाम से जानते हैं और तक्षशिला ये कैपिटल हुआ करती थी गंधार की नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग विच वन हा बिल्कुल बाद में पेशावर हो गया था कैपिटल बिल्कुल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली तो निम्न में से कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर पोर्ट सिटी नहीं था ये आपको बताना है बालाकोट धोलावीरा ठीक है सी या फिर सुतका जेंडर बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा ठीक है तो ये लोकेशन पूछी गई है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ा होगा आप हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं आप मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते हैं आप धौलावीरा के बारे में भी पढ़ते हैं ठीक है साथ में आप बनवाली के बारे में भी पढ़ते हैं ठीक है रोपर के बारे में भी आप इसमें देखते हैं और साथ में कालीबंगन की भी साइट को देखते हैं ठीक है और इसी में आपको एक और पूछा जाता है लोथल जो कि एक्चुअली में पोर्ट सिटी भी था लेकिन पोथल लोथल ना यहाँ पर ऑप्शन देके आपको क्या दिया गया है कुंतसी धौलावीरा बालाकोट या सुतका जेंडर तो इसका राइट आंसर होगा याद रखिएगा इसमें से जो पोर्ट सिटी नहीं था वो कौन सा नहीं था धौलावीरा ये याद रखिएगा नॉट पूछा गया है ठीक है नॉट पूछा गया सुतका जेंडर ये तो बाउंड्रीज थी आपने सभी बाउंड्रीज देखी ना नॉर्थ की भी बाउंड्री पड़ी थी कि नॉर्थ की बाउंड्री का नाम क्या था मांडा ईस्ट की भी पड़ी थी ईस्ट की बाउंड्री का नाम आलमगीरपुर साउथ की भी बाउंड्री पड़ी थी जिसका नाम था और ये जो वेस्ट की बाउंड्री थी उसका नाम क्या था सुन ठीक है बालाकोट भी हुआ करता था कुंसी और एक इसमें एक और नाम ऐड कर लीजिएगा कि एक और पोर्ट सिटी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था लोथल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नमस्कार सभी को जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं टाइमिंग याद रखिएगा 3 पीएम पर हमारा सेशन स्टार्ट होता है और गाइस जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके सेशन का बेनिफिट उठा सके और ये सेशन सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है अगर आप रेलवे का भी देने जा रहे हैं तो भी बेनिफिशियल है आप एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बेनिफिशियल है ठीक है चले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ संगम पीरियड आर करेक्टली मेस्ड देयर एम्बुल तो जरा बताइएगा कि संगम काल के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उनके प्रतीक चिन्ह के साथ सही रूप से सुमेलित है ठीक है uh, चेराज के साथ टाइगर चोलाज के साथ बोध धनुष ठीक है पांड्याज के साथ फिश या मछली ठीक है और ऑफ द अब तो आपने इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा वन टू थ्री या फोर ठीक है सो आई होप कि अगर देखिए अगर आप इसको टिक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर संगम एम्पायर की बात चल रही है ठीक है संगम एम्पायर की बात चल रही है और जब भी हम संगम एम्पायर की बात करते हैं तो संगम एम्पायर था कहाँ ठीक है तो उसके लिए ये देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट था यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था ठीक है ये वाला जो बॉटम वाला पार्ट था यहाँ पे संगम एंपायर हुआ करता था कहीं ठीक है तो अब इसमें आपसे ये कई बार पूछता भी है लोकेशन वाइज तो अगर मैं यहां पे बात करने जाऊं ये वाला जो पोर्शन था ये वाला यहां पर चेराज हुआ करते थे ठीक है दूसरे ये वाले सेक्शन में आपके कौन हुआ करते थे चोला ठीक है तो ये याद रखिएगा दो चोला हुए हैं एक तो ये चोला हुए जिन्होंने सेकेंड एंड थर्ड ठीक है सेंचुरी में इन्होंने रूल किया है और दूसरे आए थे आपके इंपीरियल चोला ये याद रखिएगा एक बाद में आप इंपीरियल चोला भी पढ़ते हैं ठीक है इंपीरियल चोला के बारे में जो कि आपके नाइन्थ सेंचुरी से लेकर के थर्टींथ सेंचुरी तक जाकर के रूल करेंगे तो वो इंपीरियल चोला होंगे जिसमें राजेंद्र राजा विजयालय इन सभी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और साथ में यहां पर आपके रहते हैं कौन से पांड्या ठीक है यहां पर पांड्या आपके रहते हैं तो ये पूरा संगम डायनेस्टी का आपको मैंने पूरा एक मैप दिखा दिया है सो आई सबको क्लियर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग टर्म्ड वॉज यूज फॉर फोर्ड लेवर इन द रिग्न ऑफ गुप्ता एम्पायर तो गुप्त सम्राज्य शासन काल में मजदूर श्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता था यह क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है ये मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें पूछा गया है विस्ट भोगा भागा या फिर आ, बाली ठीक है तो इसका राइट right आंसर बताएगा जरा क्या होगा कि फॉलोइंग टर्म वॉज यूज फॉर फोर्ड लेबर इन द रिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड में कौन सा वर्ड यूज किया जाता था उन लोगों के लिए ठीक है शासनकाल में मजदूर श्रम कराया जाता तो ये जो राइट right आंसर याद रखेगा ये कौन सा होगा आपका ठीक है ये रहेगा आपका ऑप्शन वन बाकी अगर इन टेक्सिस इनकी अगर हम बात करने जाए तो ये सभी वर्ड किसके लिए यूज किए जाते थे टेक्सिस के लिए तो ये सभी कर के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते थे और अगर हम मजबूर करके यानी कि फोर्स करके लेबर की यहां पे बात करेंगे तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता था विस्टी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नहीं नहीं जो बली शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो याद रखिएगा बली बूटी ये दीज वर्ड यूज फॉर द टैक्सेशन ठीक है इन द अर्लियर अर्ली एंसियंट इंडिया तो अर्ली एंसियंट इंडिया में अगर देखा जाए तो इन शब्दों का जो इस्तेमाल है वो याद रखिएगा टैक्सेशन के लिए किया जाता था ठीक है चलिए मंग द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द कैपिटल ऑफ कन्न डायनेस्टी तो आपने ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कन्न वंश की राजधानी थी ठीक थी, है तो कन्न वंश की राजधानी बताइएगा विदिशा पाटलिपुत्रा पैठन या फिर हाथी गुम्फा पैतुक पहले तो कन्व डायनेस्टी क्लियर होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले अगर आपको मालूम हो तो नंदा की जगह पर आए थे मौर्य मौर्या की जगह पर कौन आते हैं सुंगा ठीक है सुंगा राजा आ जाते हैं फिर सुंगा में एक राजा होता है जिसका नाम होता है सुशर्मा ठीक है यहाँ पर एक राजा पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सुशर्मा सॉरी देवभूति ठीक है पर देवभूति या भवभूति एक इस तरीके से राजा पढ़ते हैं आप इसी में आ, सुंगा एम्पायर में देवभूति रहता है या इसका नाम भवभूति रहता है तो इसकी बाद में हत्या करके ठीक है एक दूसरा राजा होता है जिसका नाम होता है वासुदेव और ये वासुदेव इस आखिरी राजा की हत्या करके किस वंश की स्थापना करता है तो ये आपको याद रखना है कि ये किस वंश की स्थापना करता है तो ये स्थापना करता है वासुदेव ठीक है वासुदेव कन्व तो वासुदेव कन्व ठीक है आखिरी सुंग राजा की हत्या करके इस वंश की स्थापना करता है और इनकी कैपिटल क्या रहती है ये पूछा गया तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर पाटलिपुत्र ठीक है

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सका ठीक है विच सका रूलर वॉज नोन फॉर द रिपेयरिंग ऑफ सुदर्शन लेक ऑफ तो इसके बारे में अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा नहपान ठीक है हाँ धामाटिका रुद्र या गडोफर्स बताएगा जरा इसका राइट आंसर क्या होगा ठीक है इसके बारे में आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कार रूलर वॉज नोन फॉर द रिपेयरिंग ऑफ सुदर्शन लेक ऑफ काटियावॉ ठीक है तो याद है एक बैटल हुआ था ठीक है यहाँ पे जो राइट right आंसर है आप कौन सा टिक करेंगे ठीक है इसमें राइट आंसर कौन सा टिक करेंगे जरा बताइएगा ठीक है दमन इज द राइट आंसर ठीक है तो यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आक्रमण होना शुरू हो जाता है इंडिया में सकाच का या फिर आप इनको क्या भी बोलते हैं सिथियंस भी बोलते हैं इनको ठीक है ये याद रखेगा ठीक है इनको सिथियंस भी बोला जाता है कई जगह पर तो इसमें एक राजा का नाम याद रखना है जो कौन सा राजा है रुद्र दमन ठीक है ये रुद्र दमन बड़ा पॉपुलर किंग रहता है ठीक है और इसी रुद्र दमन के साथ बैटल होता है किसका गौतमी पुत्र सतकर्णी का ठीक है इसी के साथ बैटल होता है गौतमी पुत्र सतकर्णी का तो सत्कर्णी कहता है कि नहीं मैंने इनको डिफीट किया था और रुद्र दमन कहता है कि ये मैंने इनको डिफीट किया था तो दोनों एक दूसरे पर ऊपर क्लेम करते रहेंगे कि नहीं मैं ग्रेट हूं और मैं ग्रेट हूं ठीक है तो ये रुद्र दमन के बारे में कई बार आया है तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है ये सुदर्शन लेख का पूरा पार्ट एक बार समझ लीजिए कि सुदर्शन लेख से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए सुदर्शन लेख को अगर हम लोग देखें कि जो बिल्ट हुआ था कि ये बिल्ट किसके टाइम पीरियड में हुआ था तो ये कई बार पूछा गया है कि ये जो बिल्ट होता है ये याद रखिएगा ठीक है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्य एम्पायर ठीक है तो ये जो कंस्ट्रक्ट होता है ये कंस्ट्रक्ट होता है मौर्य के टाइम पीरियड में ठीक है मौर्य के टाइम पीरियड में और इसको रिपेयर करने का जो काम करता है रिपेयर करने का काम करता है वो कौन करता है रुद्र दमन ठीक है तो इसका नाम याद रखना है रुद्र दमन ठीक है दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसमें बाद में एक डैम का भी निर्माण कराया जाता है इसके पास में वो कौन कराता है तो उसका नाम होता है लास्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर दैट वॉज द स्कंद गुप्ता ये क्लियर होगा सभी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच अमंग रिवर ऑफ रिग है और द बेस्ट रिवर ऑफ द रिग वेदा यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि ऋग वैदिक के टाइम पीरियड में किस नदी को ठीक है नदियों का रत्न यानी कि सबसे बेहतर यानी कि सबसे बेस्ट रिवर का दर्जा दिया गया था बताएगा जरा राइट आंसर क्या होगा सिंधु रिवर कुंभा रिवर गंगा रिवर या सरस्वती ठीक है कौन सा राइट आंसर टिक करने जाएंगे वन टू थ्री ठीक है या फोर सो आई होप की आ, बहुत सी रिवर्स के नाम आपको ऋग नाम पूछे जाते हैं बहुत से रिवर्स के ऋग नाम पूछे जाते हैं तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा और ऋग टाइम पीरियड में एक ही रिवर है जिसका नाम सबसे ज्यादा आया था ठीक है और वो सबसे पायस नदी मानी गई है वो कौन सी है आपकी सरस्वती सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन फोर इज द सॉरी राइट आंसर गंगा की अगर हम बात करने जाएं तो गंगा का नाम ज्यादा आता ही नहीं है गंगा का नाम एटलीस्ट वन या टू टाइम्स ही आता है ठीक है तो जो मैक्सिमम नाम आया है वो किसका ही आया है सरस्वती का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज द एविडेंस ऑफ फायर अल्टज तो जरा बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हुए हैं ठीक है हड़प्पा मोहनजुदारो कालीबंगन या सुरकोटदा आपको ये बताना है ठीक है कि राइट आंसर क्या होगा इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस लोकेशन पर किस साइट पर फायर अल्टर्स यानी कि अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हुए हैं राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट right आंसर याद रखिएगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर तो कालीबंगन में एक तो आपको ब्लैक बैंगल्स मिले थे ठीक है ये भी कई बार पूछे गए हैं ब्लैक बैंगल्स ठीक है काली चूड़ियां के आपको निशान मिले हुए हैं और साथ में आपको क्या भी मिले हुए हैं यहां पर याद रखेगा फायर अल्टर्स की भी बात की गई है ठीक है और ये पड़ता कहां पर है तो ये याद रखेगा ये आपका कहां पर पड़ता है राजस्थान में ठीक है इसकी लोकेशन याद रखेगा राजस्थान हड़प्पा तो आपने डिटेल में पढ़ाई हुआ है कि हड़प्पा में आपको क्या मिलते हैं ठीक है ग्रेनरीज और मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ ठीक है माउंट ऑफ डेड बोला जाता है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द राइटर विच ऑफ विच वन ऑफ द राइटर ठीक है ऑफ द बुक हर्षचरित तो हर्षचरित जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी तो हर्षचरित के टाइम पीरियड में ये एक बड़ा प्रसिद्ध राजा था हर्षवर्धन ठीक है वर्धन, वर्धन डायनेस्टी जब आप पढ़ते हैं प्लीज गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज लाइक एंड शेयर दिस सेशन मैक्स टू मैक्स गाइज ठीक है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आ, इसको देखें और टारगेट जो मैंने रखा है अराउंड टू हंड्रेड का ठीक है कि आज टू हंड्रेड तक हमने इसको पहुंचाना है सो प्लीज गाइज नीड योर सपोर्ट देखिये हरचरित जो बायोग्राफी है ठीक है ये किसकी किसकी बायोग्राफी हर्षवर्धन की ठीक है हर्षवर्धन की यहां पर बायोग्राफी की बात कर ले ठीक है जो कि कन्नौज का बड़ा पॉपुलर राजा हुआ है सिक्स जीरो सिक्स एडी में ये सिंघासन पर आया था अगर आपको याद हो और इसके दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध राजा था जो कवि था उसका नाम क्या था ठीक है उसका नाम था बाणभट्ट तो बाण भट्ट ने एक तो हर्षचरित लिखी जो कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में था और दूसरा इससे रिलेटेड एक और पूछा जाता है जो कौन सा था कादम्बरी ठीक है और पार्वती परिणय ये भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा पार्वती परिणय ठीक है तो ये आपने तीन इसकी बुक्स याद रखिएगा रचनाएं कादंबरी हर्षचरित और कौन सी थी पार्वती परिणय और ये लिखी गई थी हर्षवर्धन के उस पर ठीक है हर्षा जो बड़ा ग्रेट किंग था ठीक है कई बार पूछा भी जाता है हर्षवर्धन के बारे में बहुत डिटेल में पूछा जाता है लास्ट हिंदू किंग था कन्नौज का पहले कैपिटल थानेश्वर थी बाद में कैपिटल इसने कन्नौज में शिफ्ट कर दी इसके ही टाइम पीरियड में हेन सांग आया था, और इसने खुद अपने आप में तीन नाटक लिखे हैं रत्नावली प्रियदर्शिका ठीक है नागानंदा तीन इसके राइटर भी है इसके भी तीन प्लेज और ड्रामा लिख याद करके जाइएगा ठीक है रत्नावली नागानंदा और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा जो लिखे गए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिन्त सांग द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरिस्ट इन पोस्ट गुप्ता इंडियन सोसाइटी तो गुप्ता के बाद अगर हम देखें लेटर गुप्ताज में तो कौन से लोग थे जो कृषक यानी कि उस समय खेती किया करते थे इसका राइट आंसर क्या होगा वन टू या थ्री बिल्कुल ठीक है कमल जी नमस्कार ठीक है सूद्रा वैश्य ब्राह्मण या छत्री इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएगा वन टू या थ्री ठीक है तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर तो इससे रिलेटेड यार कई बार क्वेश्चन आए हैं कि ये जो हेनत सांग है पहले तो किसके टाइम पीरियड में आया था ठीक है ये किसके टाइम पीरियड में आया था तो हेनत सांग की अगर हम लोग बात करने जाए तो ये किसके टाइम पीरियड में आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ठीक है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में तो ये शुरुआत में याद रखिएगा कन्नौज को विजिट करता है कन्न ठीक है कन्नौज को विजिट करता है फिर बाद में अगर आप देखेंगे तो ये पुलकेशन सेकंड के उसमें भी जाएगा पुलकेशन सेकंड एक राजा था जिसका नाम था चालुक्य कि किंग ठीक है चालुक्य जो हर्षवर्धन को डिफीट करेगा पुलकेशन सेकेंड ठीक है तो पुलकेशन सेकंड के यहाँ पर वातापी या बादामी में भी ये जाकर के विजिट करता है तंजौर को भी ये विजिट करता है ठीक है और इसने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सी यू की ठीक सी यू की तो ये एक तो लैंड रूट के थ्रू आता है और ये सी रूट यानी ओसियन रूट के थ्रू ये वापस जाता है ठीक है और इसने बताया था कि उस समय जो खेती करने वाले लोग थे वो सभी कृषक हुआ करते थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कट द दोध ट्री एट बोध गया तो निम्न में से कौन सा शासक था जिसने बोध ट्री को ठीक है पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था जो बोध गया में लोकेटेड अगर आपको बोध गया लोकेशन याद हो ठीक है एट द बोध गया लॉर्ड गौतम बुद्धा गेट द एनलाइटमेंट ठीक है अंडर द पीपल ट्री दैट इज लोकेटेड इन यूपी दैट इज लोकेटेड इन बिहार तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और बाद में ठीक है इस पूरे लोकेशन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है एक राजा के राजा के द्वारा उस का नाम क्या है है ठीक सो देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए थोड़ा सा मन की आंखों से समझने का प्रयास कीजिएगा ठीक है देखिए ये पोस्ट गुप्ताज का मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम समझा रहा हूँ पोस्ट गुप्ताज का ये थोड़ा सा डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो एक बार प्रयास कीजिएगा इसको समझने का ठीक है देखिए थोड़ा सा इस तरीके से ये आपका ये इंडिया बनाने का प्रयास किया है ठीक है देखिए इस समय यह क्या होता है कि यहां पर आपकी वर्धन डायनेस्टी होती है ठीक है यहां पर वर्धन डायनेस्टी होती है अच्छा दूसरा यहां पर एक और राजा होते हैं जिनका नाम होता है मैत्रक ठीक है यहां पर मैत्रक राजा होते हैं यहां पर मोखरी ठीक है एक डायनेस्टी होती है जिसका नाम होता है मोखरी ठीक है और यहां पर आपके कौन से होते हैं चालुक्य ठीक है यहां पर आपके होते हैं चालुक्य अब देखिए जरा यहां पर एक डायनेस्टी बड़ी पावरफुल होकर के आती है इस लोकेशन पर ठीक है इस लोकेशन पर एक डायनेस्टी पावरफुल होकर आ जाती है जिसका नाम होता है गौड़ डायनेस्टी ठीक है एक डायनेस्टी यहां पर पावरफुल होकर के आएगी बंगाल में एक डायनेस्टी बंगाल में आएगी जिसका नाम होगा गौण साम्राज्य ठीक है ये गौड़ ये जो होगी ये डायनेस्टी पावरफुल आएगी इसी का एक राजा था जिसका नाम क्या था ससांक तो शशांक जो होगा किस पे अटैक करेगा याद रखेगा मोखरी पे और ये मोखरी रिलेटिव्स थे किन के वर्धन के तो यहाँ पर वो किसकी हत्या करेगा पहले तो राजवर्धन की हत्या करेगा फिर ये जो मोखर डायनेस्टी के यानी कि हर्षवर्धन के ये जो जीजाजी होंगे जिनका नाम होगा ग्रह वर्मा उनकी भी वो यहां पर हत्या करेगा और साथ में ये याद रखिएगा इसकी जो बहन रहती है जिसका नाम होता है राजश्री इसको किडनैप भी करता है और बाद में जेल में डाल देता है ठीक है तो ये पूरी कहानी आई होप कि आपने पढ़ी होगी ठीक है और ये पूरा डायग्राम से आपको काफी चीजें क्लियर होगी क्या डायग्राम समझ में आ रहा है डायग्राम क्लियर हुआ सभी को ठीक है तो ये जो वर्धन एंपायर होता है स्टार्टिंग में यहां पर होता है कन्नौज वाले एरिया में मोखर डायनेस्टी यहां पर आती है ठीक है यहां पर बंगाल में आपके कौन होते हैं गौड़ साम्राज्य और इसी गौड़ के बाद फिर बाद में एक और किंगडम आता है यहां पर जो आप पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं पालाज के बारे में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यस हा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूरल ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी तो सातवाहन डायनेस्टी में ये पूछा गया है कि सबसे अंतिम शासक कौन था जरा बताइएगा ठीक है सातवाहन डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक आपने बताना है ठीक है वन टू थ्री या फोर क्या राइट right आंसर होगा ठीक है आई होप कि मैप से आपको काफी चीजें क्लियर होंगी जब भी आ, आप ये याद रखिएगा ठीक है मैप ज्योग्राफी में भी बहुत जरूरी है और मैप हिस्ट्री में भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप मैप की मदद से सभी डायनेस्टीज को रिलोकेट करते हैं और उनको ऑर्डर में रख के समझते हैं तो आपको पूरा एकदम क्लियर व्यू मिलता है ठीक है पूरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी मिलता है और उनको लोकेशन वाइस आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा किंगडम कैसे स्प्रेड हुआ और किस राजा ने कहां पर अटैक करने का या ओवरटेक करने का प्रयास किया ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर याद रखेगा ऑप्शन ठीक है इसका जो राइट right आंसर याद रखेगा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ठीक है विजय सतकर्णी विजय सतकर्णी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहला राजा तो याद है ना सातवाहन का सिनु सिमुख ठीक है इसमें से जो सबसे आपको एक पूछता है कि फर्स्ट किंग कौन सा था तो फर्स्ट जरूर पढ़ के जाएगा जिसका नाम था सिमुख और इसमें अगर ग्रेट किंग की बात करता है तो ग्रेट किंग एक ही याद पढ़ के जाना है जिसका नाम क्या था गौतमी पुत्र जो सबसे पॉपुलर किंग रहा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेटर गुप्ता किंग्स अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराजा एंड परफॉर्म द तो ये बताना है कि वो कौन से गुप्ता राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल अडॉप्ट किया ठीक है और उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ को भी परफॉर्म किया ठीक है महासेना गुप्ता आदित्य सेना कुमार गुप्ता थर्ड या फिर कामरूपा? रूपा इसका राइट आंसर बताइएगा ठीक है तो ये पूछा गया है कि वो कौन सा राजा था जिसने महाराजाधिराज का टाइटल अडॉप्ट किया ठीक है महाराजाधिराज का टाइटल अडॉप्ट किया और उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ को भी कंडक्ट किया तो अगर आपने पढ़ा हो कि तीन टाइप के उस समय यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे एक था अश्वमेघ यज्ञ ठीक है एक और यज्ञ किया जाता था जिसका नाम क्या होता था राजसुया यज्ञ ठीक है और एक होता था जिसका नाम था वाजपेय ठीक है ये तीन तरह के यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे और उसमें हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता तो था ठीक है कि भाई हमारा घोड़ा निकल रहा निकला हुआ है और इसको कोई भी पकड़ने का प्रयास ना करे अदरवाइज उसको इनसे युद्ध लड़ना पड़ेगा यही कंडीशन थी ना तो इसमें जो राइट right आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेडर्स इनवेडेड द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ कुमार गुप्ता तो निम्न में से कौन से लोग थे जिन्होंने कुमार गुप्ता के टाइम पीरियड में ठीक है आक्रमण किया तो so, देखिए ये यहां पर जो आंसर्स हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए किंग्स तो so, देखिए गुप्ता एम्पायर के डेक्लाइन होने का जो सबसे मेन कॉज है वो हुजन माना जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक कॉज माना जाता है एक तो राजाओं का वीक होना और दूसरा ये हुज इन्वेजन और उस समय के जो फ्यूडल्स थे सामंत थे उन सबका मतलब पावर में आ जाना इंडिपेंडेंट हो जाना तो ये जो हूण थे इनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है ठीक है ये याद रखेगा इनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया ये याद रखेगा हुज की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो हुज लोग थे ये आपकी सेंट्रल एशिया से एक आई हुई ट्राइब थी जो सेंट्रल एशिया यानी कि ईरान से होकर के आए थे ठीक है ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है इस हुनाज में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की दो राजाओं ने एक का नाम याद रखना है मेहरकुल ठीक है और एक का नाम याद रखना है तोरामन इन राजाओं ने कंटिन्यूस रेड किया गुप्ता एम्पायर में तो कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता दे सक्सेसफुली रिपील द रेड या इन्वेजन ऑफ द हुनाज बट द लेटर गुप्ताज किंग ठीक है द सक्सेसर गुप्ताज किंग टू मच वीक ठीक है सो दे वर अनेबल टू डिफेंड द टेरिटरी फ्रॉम द इन्वेजन इनवेजन पॉपुलर किंग कौन से मेहरकोलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन हु हुआ द फाउंडर ऑफ द इंडो ग्रीक किंगडम तो जरा बताइएगा कि इंडो ग्रीक जो साम्राज्य था इसके संस्थापक कौन थे ठीक है इसका आपने राइट right आंसर बताना है सो भाई आई होप की बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी ठीक है इस सेशन में बहुत कुछ रिविजन हो रहा होगा ठीक है और ये हेल्पफुल सेशन है या नहीं डेफिनेटली आपको अटेंड करके अब ये समझ में आ रहा होगा ठीक है कि बहुत सी चीजें हैं जो क्लियर हो जाती हैं, जो आपको पॉइंट मिस हो रहे होते हैं या फिर आप कम टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा इंडो ग्रीक की बात चल रही है ठीक है इंडो ग्रीक की बात चल रही है तो इसका जो राइट right आंसर है ये है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर तो इंडो ग्रीक की जब भी बात होती है इंडो ग्रीक की ठीक है तो यहां पे इस तरीके से बात चल रही है कि ये लोग यहां से आना शुरू हुए ठीक है ये वाला जो पार्ट था इंडो ग्रीक तो इसमें सबसे पॉपुलर रहता है डेमेक्रिएट ठीक है ये याद रखिएगा डेमेट्रियस और इसमें एक और मोस्ट किंग बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना आप सभी को वो जरूर पढ़ के जाइएगा उसका नाम क्या था मिनांडर ठीक है इसका नाम बहुत जल्द जरूरी है पढ़ना मिनांडर ठीक है इसी का एक बुद्धिस्ट मोंग के साथ जिसका नाम था नागसेना जिसके साथ कन्वर्सेशन होता है और इन दोनों का कन्वर्सेशन एक टेक्स्ट में लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्ना ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू ये टेक्स्ट है और इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ठीक है हाँ बिल्कुल तो मीनांडर जो था बहुत ही कंफ्यूजन मतलब बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में रहता था ये राजा मिनांडर ताकतवर था लेकिन कंफ्यूज रहता था इसकी लाइफ में बहुत से क्वेश्चन थे और इसके जो सवालों का जवाब था वो कोई नहीं दे पा रहा था सो so, फाइनली इसकी मुलाकात एक बुद्धिस्ट मॉन्ग से होती है जिसका नाम होता है नागसेन ठीक है और वो उसके जीवन के जितने भी सवाल होते हैं सबका जवाब दे देता है और माना जाता है कि उसके बाद मिनांडर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और भारतीय शास्त्रों में इसका जो नाम है वो मीनांडर की जगह पर क्या लिखा हुआ है मिलिंद लिखा हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट द एविडेंस ऑफ द डबल ब्यूरियल ठीक है हैज बीन फाउंड तो निम्न में से किस साइट पर आपको दोहरे दफन के सबूत मिले हुए हैं लोथल कालीबंगा सुरकोटदा या मोहनजोदारो राइट right आंसर बताइएगा जरा क्या होगा ठीक है हाँ बताइएगा इसका राइट right आंसर क्या होगा ठीक है वन टू थ्री या फोर इसका राइट right आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा इसका जो राइट right आंसर याद रखेगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है तो जो डबल ब्यूरियल है ये आपको दोहरे दफन के जो सबूत है वो कहां पर मिले हुए हैं लोथल में जो कि आपकी पोर्ट सिटी भी हुआ करती थी और ये गुजरात में लोकेटेड था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देवभूति द ठीक है सुंगाज एम्पायर तो नंबर पूछा गया है ठीक है सुंगा के इसमें यह पूछा गया है कि लास्ट राजा का नाम क्या है जल्दी से बताइएगा बताइएगा इसका राइट right आंसर क्या होगा वन टू थ्री या फोर ठीक है वन टू या थ्री या फोर तो ये क्वेश्चन आई होप कि बहुत से लोगों को डिफिकल्ट लगने वाला है ठीक है देखिए काफी लोग तुक्का मार रहे हैं इसमें इस क्वेश्चन में, में. देवभूति वाला तो देखो इसको समझ लीजिए जरा किस तरीके से है बेटा ठीक है अभी आई होप की बात भी हुई थी ठीक है हमने बात की थी किससे सुंगा एम्पायर से रिलेटेड ठीक है सुंगा एम्पायर से रिलेटेड बात की गई थी ठीक है तो एम्पायर कहां से कहां तक होता है 185 से शुरू होता है और कहां तक जाता है यह जाता है आपका 73 थ्री बी सी तक यही है ना यहां तक क्लियर है इस सुंगा एम्पायर में नियानी की जो रूल किया वो कितने टाइम तक किया तो 112 साल तक इन्होंने रूल किया टोटल किंग्स कितने हुए तो टोटल किंग्स याद रखने हैं कि कितने हुए टोटल दस किंग हुए जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट है सुंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है अग्निमुत्रा ठीक है एक और इंपॉर्टेंट है भागभद्र और लास्ट जो किंग था वो याद रखेगा उसका नाम क्या था यहां पे लिखा हुआ है देवभूति देवभूति ठीक है है तो इसको पढ़ के जाना है और इसी के बाद फिर आपकी एक दूसरी डायनेस्टी आ जाती है जिसका नाम क्या होता है कन्आ डायनेस्टी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हु रोट द प्ले माल विकाग्नि मित्रा तो किसके द्वारा एक फेमस प्ले लिखा गया था जो है माल विकागनी मित्रा ठीक है भरथरी अश्वघोष विशाख दत्त या कालिदास जो माल विकाग्नि मित्रा है ठीक है इसमें दो फेमस कैरेक्टर हैं एक तो आ, सुंगा एम्पायर के यानी पुषमित्र सुंग के बेटे जिसका नाम है अग्निमित्रा सुंगा वो इसमें एक आ, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर रहते हैं साथ में एक विदर्भ देश की प्रिंसेस है जिसका नाम है मालविका इन दोनों को मैन कैरेक्टर बनाकर के प्ले लिखा गया है तो इसका राइट आंसर याद रखेगा तो के बहुत सारे टेक्स्ट पूछे जाते हैं और ये किन के समय पर थे तो याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड थे उनके टाइम पीरियड पे ये नौ रत्नों में से शामिल थे कालिदास मेघदूत ठीक है रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्नि मित्र बहुत सारे इनके टेक्स्ट पूछे जाते हैं विशाख दत्त के आप सभी को मालूम है कि विशाख दत्त ने एक तो मुद्रा राक्षस लिखी हुई थी ठीक विशाख दत्त के द्वारा और दूसरी जो इनके द्वारा लिखी जाती है उसका नाम क्या था देवी चंद्रगुप्तम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग हु द लास्ट हुआ एम्पायर तो जल्दी से बताएगा जरा कि आखिरी मौर्यन एम्पायर यानी कि आखिरी मौर्य राजा का नाम क्या था आखिरी मौर्य राजा का नाम क्या था डेफिनेटली पीडीएफ मिल जाएगी इवनिंग में सेशन में जाकर के देख लीजिएगा आपको पीडीएफ ऑलरेडी वहां पे मिल जाएगी ठीक है चलिए लास्ट मौर्य किंग ठीक है तो पहला किंग तो मालूम है चंद्रगुप्त उसके बाद बिंदुसार बिंदुसार के बाद अशोक पढ़ते हो अशोक के बाद उसके सक्सेस है ठीक है तो लास्ट मौर्य राजा का नाम क्या था जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र सुंग, सुंगा एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट करता है तो लास्ट मौर्य किंग का आपका नाम मालूम है ना जिसका नाम क्या था बृहदत्त और वन एट्टी में इसकी हत्या कर दी जाती है इसका मर्डर हो जाता है और इसका मर्डर करके कौन सा एम्पायर आ जाता है सुंगा है के द्वारा डायनेस्टी ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नियोलिथिक साइट इन हैस्टोरिक इंडिया चलिए अब बताइए अभी तक काफी सिंपल क्वेश्चन हो गए अब फिर से एक बार राइट right आंसर बताइएगा ठीक है कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा हम्म तो नियोलिथिक की बात कर रहा है यहां पर आप कौन कौन से पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं पैलियोलिथिक इरा मैसोलिथिक एरा और न्यूलिथिक न्यूलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन्स ठीक है सो दिस टाइम पीरियड इज नोन फॉर द चेंज इन ह्यूमन लाइफ यहाँ से व्यक्ति की लाइफ में एक तो स्टेबिलिटी आती है जो उस समय का मानव था वो प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर देता है ठीक है तो बताइएगा जरा कि कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है जो रिलेटेड है इस न्यूलिथिक टाइम पीरियड से वन टू थ्री या फोर ठीक है

केवल, ठीक है केवल दैट मीन्स यू कैन विन योर सेंसेस ठीक है यू कैन विन ठीक है योर सेंसेस तो आप अपने सेंसेस पे जीत पा सकते हैं ठीक है सेंसेस मतलब तो जानते हो ना जितेंद्रीय होना हैप्पीनेस एंड सौरव पर आप विजय पा सकते हैं तो कौन कौन से त्रिरत्ना थे राइट नॉलेज राइट एक्शन राइट फेथ ठीक है तो इसमें से कौन नहीं था ठीक है वो कौन सा है आपका ऑप्शन फोर इज द ठीक है, राइट आंसर ये नहीं था राइट right फेथ था राइट right नॉलेज था और राइट right एक्शन था सम्यक ठीक है विश्वास सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण क्लियर है ना ये? आयोग की फिर से सब मैं रिपीट कर देता हूं सम्यक अज्ञान ठीक है सम्यक आचरण और दूसरा था कौन सा था सम्यक ठीक है ये आ, हाँ सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण और सम्यक आस्था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल डिश्वसिटेडिली जिसमें अश्व घोष ने पार्टिसिपेट किया था वन टू थ्री या फोर वन टू थ्री या फोर ठीक है बताइए जरा राइट आंसर क्या होगा निम्न में से कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी जिसमें अश्व घोष के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था वन टू थ्री या फोर देखिये आपको एक हिंट दे सकता हूं कि जिसमें अशोक घोष ने पार्टिसिपेट किया था उसमें ये वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट का रोल जो है वो वासुमित्र ने प्ले किया था ठीक है इस सभा में जो प्रेसिडेंट का रोल है वो याद रखिएगा वासुमित्र थे ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल राजा कौन सा था तो पढ़ना है कनिष्का राजा था टाइम पीरियड कौन सा था तो टाइम पीरियड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेवेंटी टू एडी था लोकेशन कौन सी थी तो कुंडल वन कश्मीर पढ़ के जाना है ठीक है कुंडल वन कश्मीर ये वाली लोकेशन थी ठीक है और यहां पर दो हेड थे एक था प्रेसिडेंट ठीक है एक था प्रेसिडेंट और दूसरा था वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट जो पर्सन यहां पे था वो था वासुमित्र ठीक है और अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछता है तो वाइस प्रेसिडेंट कौन सा था घोष समझ में आ गया और यहां से ही आपका बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक कौन सा महायान और दूसरा आपने पढ़ा था कौन सा हीन यान सो so, आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट में ठीक है सैक्रेट टेक्स्ट नेम्ड त्रिपिटक तो निम्न में से कौन त्रिपिटक का भाग नहीं है ठीक है आगम सुत्ता विनय या फिर अभिधम सो so, आई होप कि सभी को क्लियर है गाइस ठीक है ये सभी को क्लियर होगा हम्म ठीक है देखिए बुद्धिज्म में अगर हम लोग बात करने जाए तो बुद्धिज्म में जो लिटरेचर है जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उनको त्रिपिटक बोला जाता है जो कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी यानी कि 483 एट्टी थ्री में जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी बुद्धा के जस्ट डेथ के बाद आजाद शत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी लोकेशन था इसमें कौन सा राजगीर ठीक है तो जो भी बुद्धा की टीचिंग्स थी उन सभी बुद्धाज की टीचिंग को रिमेंबर किया जाता है और जो जो ओरल टीचिंग्स थी, उनको क्या किया जाता है कंपाइल करने का प्रोसेस शुरू होता है यानी कि उनको डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाना शुरू होता है ठीक है तो वहाँ पर तीन निकल कर ये आते हैं कौन सा होता है ठीक है थीके? ये आपके तीनों पिटक है बाद में पांच निकाय में डिवाइडेड तो होता है आपका कौन सा अंगुत्तर निकाय और एक होता है इसमें आगम निकाय तो ये निकाय का पार्ट है ठीक है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द त्रिपटक ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच रूलर इज नोन एज द फादर ऑफ द गुप्ता मोनिटरी सिस्टम तो निम्न में से किसको uh, गुप्ताज के समय का ठीक है uh, फादर माना जाता है मोनिटरी सिस्टम का ठीक है गुप्ता जो मौद्रिक प्रणाली थी उसको फादर माना जाता है स्कंद गुप्ता चंद्रगुप्ता कुमार गुप्ता या फिर समुद्र गुप्ता राइट right आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा वन टू थ्री या फोर

उसने जिस तरीके से एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो किया था एग्रेसिवली ठीक है यूरोप तक उसने कब्जा कर लिया था उसी तरीके से समुद्र गुप्ता ने भी एग्रेसिवली अपने साम्राज्य को बढ़ाया इस वजह से उसने समुद्र गुप्ता को इंडिया का नेपोलियन बोला था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्राचीन भारत में मसक क्या है तो जरा बताएगा कि व्हाट इज द मसक इन द देंशियंट इंडिया ठीक है वन टू थ्री या फोर इसका राइट आंसर क्या होगा ठीक है हर्ष का चांदी का सिक्का कुषाण का तांबे का सिक्का गुप्ता का सोने का सिक्का या मौर्यों का तांबे का सिक्का वन टू थ्री या फोर क्या राइट आंसर होगा ठीक है hmm. प्राचीन भारत में मशक का मीनिंग क्या है वट इज द मशक इन एंसियंट इंडिया राइट आंसर क्या होगा वन टू थ्री या फोर प्लीज गाइज जितने भी लोग देख रहे हैं जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सो प्लीज गाइज ठीक है लाइक द सेशन एंड वंस अगेन शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड सो दैट मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट ज्वाइन ठीक है आज 200 का टारगेट पूरा करना है अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से सेशन में आपके लिए लेके आता रहूं ठीक है तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर तो जो मशक है ये मौर्यज के टाइम पीरियड में जो कॉपर का क्वाइन इशू किया गया था उसी को मशक बोला जाता था ठीक है चलिए तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी मैंने आपको बता दिया था ठीक है विक्रम युग की शुरुआत कब हुई थी सो आई होप कि आपको याद हो ठीक है कि आ, मैंने डेफिनेटली एयर फोर्स के लिए भी ये हेल्पफुल है जितने भी एग्जाम है यार जीएस का जो सेक्शन है वो सेम ही रहता है ठीक है बस थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वेरी करता रहता है तो आई होप कि मैं एक क्वेश्चन के साथ जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सिंपल हो या डिफिकल्ट तो मैं आपको सभी को समझा रहा हूँ ठीक है तो ये जो सेशन है से, मल्टीपल जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बेनिफिशियल है तो अभी हमने सकाइरा के बारे में पढ़ा था सकसमवत जो कि कनिस्का के द्वारा शुरू की गई थी सेवेंटी एट लेकिन एक राजा था ठीक है जो कि आपका उज्जैन का बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ है ठीक है उज्जैन का और माना जाता है कि वो अभी तक के भारतीय राजाओं में सबसे ग्रेट राजा हुआ है किंग ऑफ उज्जैन उसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी तो राइट आंसर कौन सा है यहां पर ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर फिफ्टी सेवन था ना अभी हमने फिफ्टी सेवन बीसी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सेवनटी एट नहीं है मोहम्मद सेवनटी एट था सकसंवत और फिफ्टी सेवन कौन सा है विक्रम संवत नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द वेदांगाज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट रिचुअल ठीक है तो रिचुअल का इसमें बोला गया है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है ठीक है कल्पा व्याकरण शिक्षा या फिर छंद ठीक है बताइए जरा राइट आंसर क्या होगा तो ऋग्वेदा में आपके सिक्स ठीक है याद रखिएगा सिक्स आपके क्या डिफाइन किए गए हैं सिक्स अंगाज वेदांगा डिफाइन किए गए हैं ठीक है थीके? तो राइट right आंसर इसमें क्या होगा कल्पा व्याकरण ग्रामर शिक्षा या फिर चंद तो इसका जो राइट right आंसर याद रखिएगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है तो जो कल्पा है कल्प वेदांगा है ये आपके किसको दिखाता है रिचुअल्स को दिखाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नोन एज द बाइबल ऑफ द तमिल लैंड तो निम्न में से किस बुक को ठीक है द बाइबल ऑफ तमिल लैंड के नाम से जाना जाता है यानी कि तमिलनाडु को तमिलनाडु की उसको बाइबल माना जाता है या आपने बताना है ठीक है मणि मेकलई या फिर तोल कप्पियम ठीक है या फिर तिरुकुल तिरुकुल कुरल ठीक है या फिर इसमें लिखा है ठीक है ऑप्शन वन टू थ्री या फोर ठीक है तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ग्रेट तो ने एम्पर के दो संप्रदाय और महायान. तो किस संप्रदाय को प्रमोट किया था आई होप कि थोड़ा सा अगर सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था कि बुद्धिज्म के दो संप्रदाय जो होते हैं वो कब होते हैं जब कनिष्क की सभा होती है 78 एट एडी में सेवेंटी एट एडी में अशोका के समय जो टू फिफ्टी बीसी में हुई थी उस समय एक ही संप्रदाय था वो कौन सा संप्रदाय था तो आई होप कि सभी को क्लियर होगा ठीक है क्योंकि भाई अशोका ने जो बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी वो बहुत ही सिंपल था अशोका के द्वारा जो बुद्ध काउंसिल बुलाई गई थी वो कब बुलाई गई थी 250 फिफ्टी बी में पाटलिपुत्रा में और ये जो महायान निकल कर के आता है ये जो महायान को जाकर के प्रमोट किया जाता है एडोल वर्शिप जो शुरू होती है ये कब होती है आपकी सेवेंटी टू के बाद जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है और यहां पे बात चल रही है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की तो इजीली अगर इतना सेंस इस्तेमाल किया है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं ठीक है ठीके? एक और इसका पार्ट है वज्रायन जो आपके अः इसमें इस्तेमाल किया जाता है अगर हम लोग बात करें कि चाइना तिब्बत वाला जो पार्ट है वहां पर ये वज्रायन भी आ, संप्रदाय को फॉलो किया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित तो बुद्ध चरित के लेखक कौन थे बताएगा जरा राइट आंसर क्या होगा ठीक है बुद्ध चरित के लेखक कौन थे वन टू थ्री फोर ठीक है सुभूति अनुराधा अश्वघोष या फिर वासुमित्र तो किसके द्वारा निम्न में से बुद्ध चरित की रचना की गई थी आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा वन टू थ्री या फोर ठीक है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा तो इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा अश्वघोष जिसके बारे में अभी पढ़ा था हमने ठीक है वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे कौन सी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो किसके टाइम पीरियड पे कंडक्ट की गई थी के टाइम पीरियड में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ठीक है वॉज डिफीटेड बाय द हर्षवर्धन तो निम्न में से कौन सा राजा था जो हर्षवर्धन के द्वारा डिफीटेड किया गया था ठीक है किस शासक को पराजित किया था पुलकेशन सेकंड को ध्रुव सेन सेकेंड को नरसिंह वर्मन को ठीक है राइट right आंसर क्या होगा आई होप कि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक uh, मुझे लग रही है हाँ हाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल सही है क्वेश्चन नहीं बिल्कुल सही है ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर है याद रखिएगा किस तरीके से ऑर्डर है ठीक है किस तरीके से ऑर्डर रहता है तो uh, ये पूरा ऑर्डर याद रखिएगा जो ध्रुव सेन था ठीक है डिफीटेड बाई जरा देख लीजिएगा डिफीटेड बाई तो क्या लिखोगे हर्सा ठीक है हर्षा डिफीटेड बाई ठीक है पुलकेशन सेकेंड और पुलकेशन सेकेंड डिफीटेड बाई तो यहां पर है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ठीक है नरसिंह वर्मन फर्स्ट तो ये पूरा ऑर्डर आपने याद रखना है एक बार ठीक है ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो पुलकेशन की यहां पे इसको हरा भी दिया जाता है और इसकी हत्या भी कर दी जाती है तो यहाँ से चालुक्य डायनेस्टी वीक होना शुरू हो जाएगी यहाँ से वर्धन डायनेस्टी वीक होना शुरू हो जाएगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक देवी चंद्र गुप्तम तो अभी हमने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम क्या था अगर आपको याद हो एक बुक हमने पढ़ी थी जिसका नाम था मालविकाग्नि मित्रा तो इसी तरीके से एक और फेमस ड्रामा है जिसका नाम है देवी चंद्र गुप्ता वो किसके द्वारा लिखी गई थी इसमें दो मैन कैरेक्टर हैं एक मैन कैरेक्टर है कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड और दूसरे जो मैन कैरेक्टर है वो है आपकी इसमें ध्रुव देवी ठीक है ध्रुव देवी तो ये बहुत अच्छे से समझना यहां पर जरूरी हो जाता है बहुत अच्छे से समझना जरूरी है ठीक है देखिए इसका बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से होता है इस जो ड्रामा है ये लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा और दत्त के द्वारा एक और बुक लिखी गई है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस ठीक है मुद्रा राक्षस ठीक है ठीक है मुद्रा राक्षस तो ये भी बहुत पढ़ के जाइएगा ठीक है किस तरीके से ये ड्रामा लिखा जाता है तो इसको एक बार समझ लीजिएगा थोड़ा सा ठीक है इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा यहां पर एक मथुरा का राजा होता है ठीक है ये एक्चुअली जो ये लोकेशन थी मथुरा यहां पर आपकी ये ये यह याद रखिएगा यहां पर किन का शासन होना शुरू हो जाता है तो यहां पे एक शक राजा का शासन होता है ठीक है और यहां पर ये यह जो रूल कर रहे थे उस समय यहां पर जो गुप्ता गुप्ता राजाओं का शासन था तो यहां पे एक बीच में राजा आता है जिसका नाम होता है राम गुप्ता ठीक है राम गुप्ता तो राम गुप्ता को ये जो शक राजा होता है मथुरा का ये इसको डिफीट कर देता है ठीक है और ये डिमांड करता है यहां पर किसकी ध्रुव देवी की ठीक है जो कि बहुत ही फेमस स्कॉलर थी ध्रुव देवी और ध्रुव देवी को फाइनली रामगुप्ता रेडी हो जाता है किसको यहां पर देने के लिए मथुरा के सक राजा को कि फाइनली जो बैटल है वो खत्म हो जाए लेकिन इसका जो छोटा भाई होता है रामगुप्त का विक्रमादित्य सेकेंड वो यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ जाकर के रेड करता है इनके अगेंस्ट में और इस बैटल को पूरे को जीत लेता है तो उसी पर ये पूरा लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा दैट इज देवी चंद्रगुप्तम चलिए नेक्स्ट सो गाइज ये थे आपके सभी क्वेश्चन ठीक है ये थे आपके सभी क्वेश्चन सो आई होप कि बहुत कुछ रिवीजन हुआ होगा आपका और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाउ वाज द सेशन सेशन कैसा लगा ठीक है और आपका स्कोर कितना आया एक बार स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर आउट ऑफ थर्टी कितना रहा आप ठीक है जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज आपने कितना स्कोर किया यानी कि कितने क्वेश्चन हैं जो आपने राइट किए होंगे ठीक है और डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था ठीक है ये सेशन बिल्कुल प्रदीप ठीक है बट उस कहानी को बताने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है इसलिए मैंने शॉर्ट में कहानी आपको बता दी है सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच ठीक है कल का टाइमिंग याद रखिएगा कल हम लोग मिलेंगे कल मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट होगा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का तो सबसे पहले तो अरब का आक्रमण होगा ठीक है उसके बाद गजनवी गौरी फिर दिल्ली सल्तनत फिर मुगल एम्पायर फिर मराठा पेशवा मैसूर सल्तनत देखेंगे सिखिजम भी देखेंगे उसमें ठीक है सो so, कल मेडिवल का पार्ट स्टार्ट करने जाएंगे और टाइम याद रखेगा कि कोई भी लेट ना हो टाइमिंग है आपकी कितनी थ्री पी तो थ्री पी पर हम लोग कल मिलते हैं चलिए सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच ठीक है जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइमिंग पर टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल